हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनर आपके लिए कुछ टॉपिक लेकर आई हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो और आप कुछ सीख सकें। आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इसे कभी भी समझेंगे तो आपकी लाइफ में आ गई, ये बहुत काम की चीज़ है। तो आप इसको शेयर करके रख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर समझ सकते तो ठीक है, नहीं समझ आते तो शेयर करके रखिए, आगे कभी ना कभी आपको ये गिफ्ट मिलेगा। तो आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा कि हमें क्या चीज़ हो रही है और क्या चीज़ में फ़र्क होता है। ये डिफरेंस बताने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो मेरा टॉपिक है चैनलिंग और एनर्जी में डिफरेंस। चैनलिंग क्या होती है? चैनलिंग एक टाइप का मैसेज होता है जो हमें डिवाइन की तरफ से दिया जाता है। ये बहुत ही स्पिरिचुअल जो सोल होती है उन लोगों को ही मिलता है उनके वर्क के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क किया होता है और प्योरी बहुत ही प्योर सोल होती है, जो कि ये मैसेज आपके अलर्ट करता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। कुछ गुड न्यूज़ मिलती है, कुछ बैड न्यूज़ भी मिलती है, कुछ भी मतलब आपके लिए अलर्ट और गुड न्यूज़ के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है। ये डिवाइन हमें देते हैं ताकि हम इनका यूज़ करके आपकी हेल्प के लिए करें, आपको बताते हैं। ये इनर वॉइस भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, हम पास्ट लाइफ से कुछ ओल्ड सोल भी होती हैं जो बहुत ही वर्क किया होता है, लेकिन उनकी जर्नी कंप्लीट ना होने के कारण वो इस टाइम में जन्म लेते हैं, तो वो भी अवेकन सोल होती हैं। तो उनके कुछ पास्ट रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने किसी पास्ट में सीखी होती हैं, तो वो भी अचानक से पॉपअप हो जाती हैं। वो भी एक इनर वॉइस मैसेज ही होता है, जो कि वो भी डिवाइनली गाइडेड ही होता है। तो ये सब के लिए होता है। और इस जर्नी में आप कोई भी जर्नी में हो, चाहे सोलमेट हो, कार्मिक हो, कोई भी जर्नी में हो, ये आपसे रेजोनेट कर सकता है और आपको ये गाइडेंस आपके लिए होती है इस मैसेज में। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी वो होती है जो हम ट्विन फ्लेम की एनर्जी पिक करते हैं। ये आपकी सिचुएशन जर्नी के अकॉर्डिंग हो सकती है और आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है जो आपका अदर हाफ है। ये आपकी जर्नी के हिसाब से मूड स्विंग अप डाउन होते रहते हैं। पोर्टल जो न्यू ओपन होते हैं, न्यू मून आने वाला होता है, फुल मून आने वाला होता है, उससे जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं 3 से 4 दिन पहले या 3 से 4 दिन बाद, और आपका एसेंशन पीरियड होता है, कुछ डिमेंशन चेंज होते हैं, तो इन दोनों के बीच में हम आपको एनर्जी पिक करके बताते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये इसमें बहुत कुछ जैसे आपको बॉडी से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हम आपको अलर्ट करते रहते हैं। लेकिन चैनलिंग और एनर्जी में आपस में कोई लिंक नहीं है, क्योंकि चैनलिंग डिवाइनली गाइडेड मैसेज है। ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट होता है जो कि हमें वर्क के हिसाब से मिलता है। और जो एनर्जी होती है वो ह्यूमन बीइंग एनर्जी है, वो कभी भी बदलती रहती है क्योंकि ये कभी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन चैनलिंग जो आपको मैसेज मिल गया वो आपके साथ कभी भी रेजोनेट हो सकता है। अगर कोई चैनल मेरा ये वीडियो देख रहा है तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनलिंग और एनर्जी की अलग अलग वीडियो अपलोड करें ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। दोनों को एक में इंक्लूड करके ना बताया जाए, क्योंकि लोगों को हमें जागरूक करने के लिए, हमें इन्हें समझाने के लिए, हमें इनके लिए ही वर्क कर रहे हैं, तो इन्हीं को समझाने के लिए हमें डिफरेंस बताना पड़ेगा। हम इंक्लूड करेंगे तो ये चैनल और एनर्जी को मिक्स करके ही समझेंगे, फिर ये उसी वे में चल पड़ेंगे। तो हम मेरा सिर्फ यही मकसद है, डिफरेंस बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एनर्जी और हमें गिफ्ट जो हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलते हैं उनमें बहुत डिफरेंस है। तो मेरा पर्पस यही है आपको समझाने का। अगर आपको ये वीडियो से आप सहमत होते हैं तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।